वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऊंचे इरादे ऊंची उड़ान के साथ हमारी सशक्त भारतीय वायुसेना, हमारी गगन शक्ति जो इतनी सतर्क सशक्त और काबिल है कि हमारे हिंदुस्तान के आसमान की ओर कोई शत्रु नज़र उठा करके भी नहीं देख सकता। हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहने वाले हमारे भारतीय वायु सैनिकों को सलाम करते हुए आप सभी दर्शकों को सर्वप्रथम भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका और आज का बिहार बिहान किसके साथ? निहारिका और स्मिता के साथ, है ना स्मिता? बिल्कुल, अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। नमस्कार, सुप्रभात, आभार और अभिनंदन आप सभी का। कहते हैं देवी के कदम आपके घर आए, आप खुशहाली से नहाएं, परेशानियां आपसे आंखें चुराएं, नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा कहते हैं हमें सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करती हैं। और निहारिका, बात किसी भी युग की हो, बुराई पे अच्छाई की जीत होती ही है और हमें हमेशा एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत होती है। और आज हम अपने घर और अपने देश में सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे सरहद पे कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक हैं वो जी जान लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने फर्ज को निभा रहे हैं। तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, एक बहुत ही अच्छा संयोग मैं कहूंगी। हम दुर्गा पूजा बिल्कुल मना रहे हैं और आज है भारतीय वायु सेना दिवस भी। दुर्गा पूजा की जब शुरुआत होती है तो आज का दिन है वो दूसरी पूजा का दिन है। आज हम माता ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करते हैं। देवी दुर्गा दर्शकों जो हमें बुराइयों का नाश करना सिखाती हैं, शत्रुओं का संहार करना सिखाती हैं और हमारी भारतीय वायु सेना जो शत्रुओं को परास्त कर आसमान पर अपनी विजय की कहानी लिखती है, आसमान पर अपने विजय की दास्तान लिखती है। आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हम वायुसेना से जुड़ी हुई बातें ही करेंगे और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, पर क्रमिक विकास ज़रूरी होता है। और अगर मैंने क्रमिक विकास की बात की है तो हम एक एक पायदान पर आगे बढ़ेंगे। पहला पायदान हमारे कार्यक्रम का होता है आज का सुविचार। एक अच्छा सुविचार जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सुबह की शुरुआत, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सुविचार। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। आज वायु सेना दिवस के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में केवल एक ही नहीं बल्कि हम आपके लिए लेकर आए हैं दो खास मेहमान और हमारे साथ हैं आज प्रदीप कुमार मोइत्रा जी। जैसा कि निहारिका ने बताया कि उन्होंने फौज से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं और फौज की ज़िंदगी को काफ़ी करीब से देखा है और वो हैं सेंटर फॉर एडवांस स्ट्रेटजी पुणे के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। और फौज से रिलेटेड जब बात करते हैं, वायुसेना से संबंधित जब बात करते हैं, तो उनके परिवार में उनके पिताजी और उनके घर के काफ़ी सदस्य ऐसे हैं जो देश सेवा के लिए ही अपनी जान दे चुके हैं और आज भी कार्यरत हैं। तो प्रदीप कुमार मोइत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। बहुत धन्यवाद मोइत्रा जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। वायुसेना दिवस के हम सभी के लिए एक गर्व का पल, क्योंकि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाएं हमारी देश की सुरक्षा के लिए सर्वदा तत्पर और तैयार हैं। पंकज जी, पहला सवाल तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी क्योंकि आज भारतीय वायुसेना दिवस है, तो सबसे अहम जानकारी ये हो जाती है कि इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं और क्या उद्देश्य है इसके पीछे। एक सीधा सवाल पर बेहद अहम सवाल आपसे। जी। सबसे पहले तो मैम, इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को और रक्षा सेवा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी सेवानिवृत्त और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको मैं भारतीय वायुसेना दिवस के 89वां वर्षगांठ पर उनको मैं अभिवादन करना चाहता हूं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं।
रही बात भारतीय वायुसेना दिवस क्यों हम मनाते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही गौरवमयी गाथा है। ये भारतीय वायुसेना जो त्याग, ऐसे जैसे कहा जाए कि कोई भी रक्षा सेवा में जुड़ा हुआ व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना भी छोटा पद पे हो या कितना भी बड़ा पद पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी योगदान को, उनकी गाथा को हम यूं ही जाया नहीं होने दे सकते हैं। इनका त्याग और तपस्या सराहनीय है, अतुलनीय है, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो उनकी, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उनके परिवार के लोग जो उनको उनको साथ देते हैं ताकि वो कहीं भी सुरक्षा प्रहरी बन करके देश के किसी भी कोने में दुर्गम परिस्थिति में वो काम करते हैं ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। जी, तो ये खासियत आज के दिन के। जी बिल्कुल, वायुसेना से जब उसकी इतिहास की बात करते हैं, जी बिल्कुल, हम लोगों ने आज 8 अक्टूबर जब वायुसेना दिवस हम मना रहे हैं, 1932 से इसकी स्थापना की जब बात करें और आज तक कैसा रहा ये दिन, प्रदीप कुमार मित्रा जी आपसे जानना चाहेंगे कि फौज से आप काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी करीब से उन्हें देखा है, तो आपका जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? देखिए, ये जो है सो महत्ता क्या है, आज हम क्यों मनाते हैं? बिल्कुल, 1999 तक वायुसेना दिवस 1/4 वही मनाया जाता था, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना, वायुसैनिक जो पायलट थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, जो वीरता दिखाया तो देश में मांग उठने लगी। पहले ये था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, नहीं रॉयल एयरफोर्स, हाँ, राजकीय वायुसेना का एक अंग था, इसको कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, उसी का एक अंग है जी। लेकिन देश में मांग उठने लगी, जब हमारा पायलट इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो क्यों नहीं आप हमको एक अलग अस्तित्व देंगे, ठीक है। तो ऐसे होते होते क्या किया हो गया, जो 1927 ईस्वी में सर एंड्रू स्कीन के अंडर में एक कमिटी का गठन किया गया जी। जिसमें स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य थे। उस रिपोर्ट में इस चीज़ को माना गया, इन प्रिंसिपल माना गया। फिर 1/4/1932 को रिपोर्ट को सौंप दिया गया गवर्नमेंट को, तत्कालीन भारत सरकार ने इसको मान लिया, लेकिन उसका लागू किया गया 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है ना। तो उस दिन से हम लोग वायुसैनिक दिवस मना रहे हैं। अब होता क्या, जो पहले क्यों 1/4 को मनाते थे, हाँ पहले जो था एक वायुसेना, समझिए जो हमारे उस समय हवाई सिपाही कहा जाता था, जब ये स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया तो इंग्लैंड के क्रैनवेल कॉलेज में 2 भारतीय पायलटों को प्रशिक्षण का मौका दिया गया। तो इस तरह से होते थे। अब 1/4 मनाया गया, फिर 8 को क्यों मनाया गया जी। तो पहला जो फ्लाइट आपको जो लेकर के आए थे पहला स्क्वाड्रन का जी। वो आपको 1/4 को कोहट से निकला था, और उसके जो फ्लाइट कमांडर थे स्वर्गीय सुब्रत मुखर्जी, जो बाद में भाई भारतीय स्वतंत्र वायुसेना, भारतीय वायुसेना का वह जो सो एयर चीफ बने। और इतना ही नहीं, जब आप एयर हेडक्वार्टर में जाएंगे उसमें आप देखेंगे उनकी एक बस्ट है जी जी। जिसमें लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जब वायुसेना की शुरुआत हुई तब से आज तक कई ऐसी चुनौतियां आई होंगी, लोगों का जुड़ाव रहा होगा, कई ऐसी परेशानियां आई हुई होंगी, तब से अब तक एक चौथी वायुसेना बनने का जो श्रेय हमारे वायुसेना को मिला है, भारतीय वायुसेना को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1932 से लेकर अब तक को 4 फेज में बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि सन 8 अक्टूबर 1932 से लेकर के आज तक के इतिहास को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। उस फेज को मैं जस्ट मैं समराइज करना चाहूँगा। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर के 1 अप्रैल 1954, ये पहला फेज था। ये वो फेज था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्थ ऑफ टू एरा। तो इसमें तो एक तो हमारा भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी जो उस समय रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, और दूसरा इसी फेज में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी भी मिली थी। तो इस फेज को बर्थ ऑफ टू ग्रेट एरा के नाम से हम जानते हैं। उस समय हमारा भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसा कि मोहित्रा सर ने कहा, हमारे पास 4 या 6 वापती एयरक्राफ्ट थे जो कि बहुत ही बेसिक एयरक्राफ्ट थे, जहाज़ थे।
छः रॉयल एयरफोर्स के ट्रेंड ऑफिसर्स थे और 19 हवाई सिपाहीज थे, जो आज हवाई सिपाही मतलब एयर वॉरियर्स जिनको बोलते हैं। सो इसका भारतीय वायुसेना का जो शुरुआत हुआ था बहुत ही छोटा रूप से हुआ था। दूसरा एरा था 1955 से लेकर के 1971 तक का, ये एरा जो था अ पीरियड ऑफ टर्मोइल के नाम से जानते हैं, अ पीरियड ऑफ टर्बुलेंस। तो अ पीरियड ऑफ टर्मोइल और टर्बुलेंस इसलिए कहते हैं कि ये वो दौर था जिसमें पाकिस्तान के साथ जो हमारे जो एडवर्सरी हैं, मुख्य एडवर्सरी हैं, जो हमारे विरोधी हैं, इनसे हमारा सामना हुआ था 1965 में और 1971 में। तो इस दौरान भारतीय वायुसेना का रियल लिटमस टेस्ट था, उस समय उनकी शक्ति परीक्षण था और भारतीय वायुसेना ने बखूबी इनका जवाब दिया था और अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ टर्मोइल। तीसरा फेज था 1972 से लेकर के 1990 तक का। इस स्टेज में भारतीय वायुसेना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एडवांसमेंट, तकनीकी रूप से सक्षम हो रही थी, धीरे धीरे वो विकसित हो रहा था। यही वो दौर था जब हमारे भारतीय वायुसेना में मिग सीरीज, जो हमारे जो वायुयान होते हैं, जो फाइटर जहाज होते हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, इनका पदार्पण हुआ हमारे भारतीय वायुसेना में। MiG-21 के कई एक वेरिएंट्स होते हैं, कई एक प्रकार होते हैं, वो जैसे MiG-21 होता है, MiG-23 होती है, MiG-27 होता है, MiG-29 होता है, तो इनका सबका अलग अलग रोल है। बेसिकली ये सारे के सारे लड़ाकू विमान जी, और भी जैसे जहाज उड़ते हैं तो उनके साथ और भी बहुत सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। तो जहाज़ों की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को उस हिसाब से ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये वो समय था जब भारतीय वायुसेना का विकास हो रहा था, ये अपने उड़ान पे था। चौथा जो एरा था वो 1991 से लेकर के अभी तक का जो एरिया है, ये एरिया अ पीरियड ऑफ मिलेनियम पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। जस्ट इनका सबका एक निकनेम दिया हुआ है। ये सबसे बड़ा नोटेबल जो मुख्यतः इसमें जो एडवांसमेंट हुआ था, इस समय भारतीय वायुसेना में पहले जो हमारे पायलट्स हुआ करते थे, या जो ऐसा माना जाता था कि जो ये लड़ाई का क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही एक बास्टियन है, पुरुषों का ही क्षेत्र है, बट इस मिथ को बस्ट करते हुए इस क्षेत्र में अभी महिलाएं को भी इसमें इंक्लूड किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अभी ये जो फाइटर पायलट की जो भूमिका जो है वो हमारी महिलाएं भी बखूबी निभा रही हैं। सो मुख्यतः ये चार बेसिक एरा में हम भारतीय वायुसेना के इतिहास को 1932 से लेकर के आज तक वर्तमान समय तक जी बांट सकते हैं। उनकी एक बहुत ही कठिन दिनचर्या होती होगी ऐसा हम अमूमन मानते हैं, और लगातार प्रैक्टिस करते रहना, अलर्ट रहना और अपनी सेवाएं देना बहुत ही व्यस्त और कठिन दिनचर्या। मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आज आप हमारे साथ हैं, कैसी होती है इनकी दिनचर्या, कैसा होता है वायु सैनिक का दिन और पूरा जीवन, और साथ ही दूसरा सवाल, आप कैसे जुड़े, दोनों ही सवाल एक साथ आपसे। जी ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा जी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि सिर्फ भारतीय वायु सैनिक ही नहीं, इनफैक्ट रक्षा सेवाओं को मैं लेकर के चलूंगा कि वे सभी हमारे भाई हैं। इनफैक्ट रक्षा सेवा से जो कोई भी जुड़ा हुआ है उनका जीवन, और ना ही सिर्फ उनका इंडिविजुअल जीवन बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनके परिवार, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या मांगता है। ये मामूली बात नहीं है ये। और जैसा कि आपने कहा कि कैसे हम इसमें जुड़े, तो बचपन से मैं देखता था, जैसे टीवी में जब आता था कि राजपथ पे जो परेड होती है, उनका परेड को देख करके उनके जिस तरीके से उनका व्यवहार होता था, जिस तरह से वो चलते थी, जिस तरह से उनकी अकड़ होती थी जी। जिस तरह से उनमें यूनिफॉर्मिटी होती थी पैर के चालों में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करता रहता था कि ये तो कुछ अलग है। तो मैं जब
भारतीय वायुसेना में जुड़ने के पहले मैं प्लस टू करने के बाद जब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जब कर करके मैं प्लस टू करके बाहर निकला तो मैं सोचा कि ये यही एक समय है जब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें रक्षा सेवा में जो भी जाते हैं बहुत ही अर्ली एज में जाते हैं। तो फॉर्म फिलअप किया, इसका कॉल लेटर आया, एग्जामिनेशन दिया, रिटेन परीक्षा होती है इसकी टेक्निकल फील्ड के लिए, मैंने परीक्षा को पास किया। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में मुझे भेजा गया, क्योंकि ये चूंकि एक स्पेशलाइज्ड क्षेत्र है, इसमें आपको एक विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मुझे वायुसेना स्थल जालाहली बोलते हैं बेंगलुरु में, वहाँ भेजा गया जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी गई 2 साल की। और एक प्योरली सिविलियन लाइफ से प्योरली डिफेंस लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है, जो बदलाव होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है। इनिशियली बहुत ही पेनफुल होता है, जैसे कि आपने सही कहा कि ये तो कठिन कठिन जीवन है। तो वहीं से हमारी दिन की शुरुआत होती है, हमारी आगे आने वाली जो भी जो 20 साल या 25 साल या जब तक वो रहते हैं तब वो दिन की शुरुआत होती है। तो स्वाभाविक रूप से वो जो पहला जो समय था राइट फ्रॉम द डे कि जिस दिन मैं ट्रेन पे चढ़ा था उसी समय से हमारी फौजी जीवन स्टार्ट हो गई थी। और जो घर में हम कभी 7 बजे उठते हैं कभी 8 बजे उठते हैं तो वो तो वैसे तो रहने से रहा, तो आपको एक नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के भावी प्रहरी बनने जा रहे हैं, चाहे आप जिस रैंक में भी आप अपनी सेवा देने जा रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। ऑलमोस्ट सभी लोगों का ऐसा नहीं है कि जो बड़े लग हैं वो दे कैन अफोर्ड टू रिलैक्स, तो ये मोर ऑर लेस सभी लोगों का ऐसा ही दिनचर्या होती है। सुबह 4 बजे उठना, दिन की शुरुआत फिजिकल एक्टिविटी से जो हम पीटी और हेल्थ रन कहते हैं, फिर आकर के तैयार होकर के फिर हमारी एकेडमिक क्लासेस भी चलती थी जिसमें टेक्निकल एज वेल एज एकेडमिक से दोनों से रिलेटेड पढ़ाई चलती थी। उसके बाद चूंकि एक फौजी का हथियारों से भी सामंजस्य होना चाहिए, तो बीच बीच में आपको तरह तरह के हथियारों का हैंडलिंग करना, मतलब ये आपका जो ट्रेड है उसके अलावे फौजी चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो सबसे पहले उनको वेपन्स का हैंडलिंग आना चाहिए। तो बीच बीच में वेपन्स की हैंडलिंग, फायरिंग, रेंज फायरिंग, ताकि आप फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, इमोशनली फिट रहे। और ज़रूरत पड़ने पे जैसे लोगों की धारणा होती है कि लोग खासकर हमारे इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में जैसा लोगों का मैं देखा हूँ, लोग समझते हैं कि फौजी सिर्फ फौजी जैसे ही कहते हैं तो लोग ये समझते हैं ये है, हाँ ये सैनिक है, मतलब ये तो भैया बंदूक लेकर के कहीं प्रहरी बन कर के कहीं गार्ड पे खड़ा रहता होगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस मिथ को मैं बस्ट करना चाहूँगा। लोग भ्रमित करने के लिए लोग ऐसा बात बोलते हैं या उनको अज्ञानतावश ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें। जी, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं और इसमें अभी भारतीय वायुसेना में एंट्री करना ये मजाक की बात नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों युवा हैं जो इसमें अंदर आना चाहते हैं लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकते हैं कि उनके पास ना तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है ना रिक्विजिट उनके पास टेम्परमेंट है। नियमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन कह सकते हैं निहारिका, और जैसा कि आपने कहा कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ये हर रूप से स्ट्रांग होना जरूरी है। और किसी भी सैनिक की जब बात करते हैं, रक्षा सैनिकों की जब बात करते हैं, तो आपका अनुशासित जीवन आपको फिजिकल और मेंटल रूप से आपको स्ट्रांग करता है, और आपकी जो फैमिली सपोर्ट है, आपका जो परिवार है, वो आपको इमोशनली रूप से सपोर्ट करता है, और ये सब मिलकर आप एक स्ट्रांग कह सकते हैं कि प्रहरी बन पाते हैं। बिल्कुल। और आज बिहार बिहान की ओर से हमारे सभी रक्षा सैनिकों को कह सकते हैं कि हमारी ओर से सलाम है जो हमारे लिए दिन रात कार्यरत रहते हैं। प्रदीप सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सैनिक दिवस के अवसर पर, जैसा कि सिविलियन, आपने सिविलियन लाइफ को भी बहुत करीब से देखा है और फौजी जीवन को भी काफ़ी करीब से देखा है, कितना अंतर महसूस कर पाते हैं इस दोनों के बारे में? साथ ही साथ आप फौज से जुड़े कई आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आज के इस शुभ दिन पर कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें, सुनाना चाहें तो? ऐसे तो मेरे पिताजी थे फौज में, मैं तो सिविलियन नौकरी में था, रिटायर भी उसी से किया, लेकिन पिताजी अपने ज़िंदगी में जो रोमहर्षक घटनाएं बोलते थे, मैंने हेयर रेजिंग, बड़ा हम रोमांचित हो जाता था। ठीक है, उसके बाद पिताजी का निधन हो गया, मेरी शादी हुई,
और मेरी एक बच्ची भी है, तो पता नहीं जो हम बड़ा हम लिखते थे तो वो भी उससे प्रेरित होती थी। लेकिन सबसे बड़ा अगर सपोर्ट मिला है मेरी पत्नी से और मेरी बेटी से। अब बाहरी लोगों में देखिए मैं कितना फॉर्चुनेट था। पंकज साहब को मैं जिससे जैसे हम जाना, एक हमारे सहरसा में मेजर अमित प्रियदर्शी हैं, वो तो कारगिल एक्शन को देख चुके हैं। तो कारगिल एक्शन को देखने के बाद जहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग था, अस्तित्वहीन सहरसा में पूर्व सैनिकों का संघ था, वो रिलेंटलेसली उसके लिए प्रयास किया, पूरा कमिश्नरी में फैलाया। तो उनसे हमको मिला, उनसे हम इनको जाने। और बाहरी लोगों में मैं दो व्यक्ति का नाम अगर नहीं लूँगा तो हमारे एक अभिन्न मित्र जो कि टोटली सिविलियन है, उनका जिंदगी बैकग्राउंड भी सिविलियन है, और हमारे सोनाम धन मित्र श्री मनोज कुमार विक्टर जी हैं सहरसा के। आप यकीन नहीं करेंगे एक सिविलियन होके उनमें फौज के बारे में इतनी जज्बा, तो ये मेरा हो गया। कैसे हम आए उच्च रक्षा अध्ययन केंद्र के मैं लाइफ मेंबर हूँ। रक्षा पर 200-300 आर्टिकल निकली है, फॉरेन जर्नल में भी है। तीन लोगों का एहसान को मैं नहीं भुला सकता। और तीसरी मैं अभी पंकज साहब बोले जो जिस समय देश का विभाजन हुआ लूजली फॉर्म 6.5 स्क्वाड्रन मेरे पास था, सरगोदा चकलाला रावलपिंडी सब वहाँ चला गया। हमारे पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, अम्बाला में एक था और बेंगलुरु में साउथ में दो नहीं वहाँ पर जो है फाइटर बेस था, और बेंगलुरु में साउदर्न इंडिया में दो ट्रेनिंग सेंटर था। तो हम उस दिन को एक प्रिमिटिव से आज हम विश्व का सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल प्रदीप जी, वो कहते हैं ना कि लघु रूप से आज वायुसेना बृहत रूप में परिवर्तित हुआ है। भी जानना चाहते होंगे क्योंकि बहुतों के मन में इच्छा होती है कि भारतीय वायुसेना से हम जुड़े, रक्षा सेवा से हम जुड़े, और ये जानकारी नहीं होती है कि किस तरह के पद हैं और किन किन पदों पर आप जा सकते हैं। जो एक पहला जवाब आता है वो कि आप सैनिक के रूप में जा सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि किस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट भी हैं जो सेना में होते हैं पर हमें उनकी जानकारी नहीं होती, कैसे पद हैं और कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर जी, हम जानना चाहते हैं। जी बहुत अहम सवाल है आपका। भारतीय वायुसेना में मैम दो तरह के लोग जाते हैं, एक तो एयर दो कैटेगरी के लोग आई वुड से सो, एक तो एयर वॉरियर जो वायु सैनिक कहलाते हैं, दूसरा जो अधिकारी के पद पे जाते हैं। तो दोनों का मोड ऑफ एंट्री जो है वो थोड़ा अलग अलग है और दोनों में डाइवर्सन है, दोनों में अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो पहले मैं एयर वॉरियर यानी वायु सैनिक के रूप में बताना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वैरायटी ऑफ फील्ड से बहुत सारे पहलू हैं वहाँ पे, तो वहाँ हर पहलू के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो जो लोग नाम से ही पता चल रहा है जो लोग टेक्निकल में जाना चाहता है तो नेचुरली वो लोग वायुवान के उड़ान से, उनके रखरखाव से, उनको उनके जो वायुवान उड़ने से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सेटअप है उनका, तरह तरह के इक्विपमेंट मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी लगी हुई है, ट्रांसमीटर्स रिसीवर्स लगे हुए हैं, उनके मेंटेनेंस उनके अपकीप के लिए टेक्निकल फील्ड में लोग एंट्री लेते हैं। इनके लिए रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है मैम प्लस टू होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विद 60% मार्क्स। इनकी एक बीच बीच में रैली निकलती है या जैसे बीटा में क्या है कि 10 ASC है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स बनाए गए, उसी तरह से पूरे देश में ASC यानी एयरमैन सेलेक्शन सेंटर करके नाम दिया गया है। बीच बीच में इनकी परीक्षा कंडक्ट होती है, तो वहाँ लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जब इनकी एडवर्टीजमेंट आती है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और नियत दिन पे जाकर के वो परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। उसमें जब उनका जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनको, चूँकि कोई भी जो फौजी आदमी होता है उनको पहले सबसे पहले फिजिकली फिट होना जरूरी है, तो जब वो शैक्षणिक रूप से वो जिस परीक्षा को क्लियर करते हैं तो फिर उनको एक मेडिकल टेस्ट के रूप में अंडरगो करना पड़ता है। उसमें जब उनका जब फिजिकली फिट अगर वो पाए जाते हैं तब फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और नॉन टेक्निकल में जैसे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इन्वेंट्री पे आइटम्स हैं, तो उनका लेखा जोखा करना, उनका पेमेंट बनाना, जैसे अकाउंट सेक्शन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, उनको रसद सामग्री वगैरह पहुंचाना, मेडिकल के फील्ड हो गए,
क्योंकि हमारा हम दूसरे पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, तो मेडिकल का भी फील्ड होता है, तो ये सारे नॉन टेक्निकल ग्रेड में आते हैं, तो इनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी बदल दी गई है, पहले 10th तक होती थी, अभी उनका भी प्लस 2 कर दिया गया है। अच्छा। तो ये दो तरह की मोड ऑफ एंट्री होती है एज फार एज एयर वॉरियर की जब बात अगर हम करते हैं। जी, अधिकारियों में क्या है कि NDA जिसे होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग खड़गवासला पुणे में होती है, और दूसरा है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो इन दोनों, और एक तीसरा होता है AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं। अब अधिकारियों में भी तीन ग्रुपिंग बांटा गया है उसे, एक तो इसमें जैसे एयर वॉरियर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होते हैं, अधिकारियों में क्या होता है कि एक जो फाइटर स्ट्रीम में होते हैं, तो फाइटर में भी फाइटर जहाज उड़ाने वाले, ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ाने वाले, देन हेलीकॉप्टर्स, तो एक फाइटर्स हो गए, दूसरे हो गए, फाइटर्स भी टेक्निकल के अंदर ही आता है, दूसरा हो गया वो भी टेक्निकल ही होता है, बट वो ग्राउंड पे अपनी सेवाएं देते हैं। अब जैसे जो जहाज पायलट लेकर के जाता है, तो नेचुरली उसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत है, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत है, रखरखाव की जरूरत है, जगह वो एयरक्राफ्ट तभी लेकर के जाएंगे जब हमने एयरक्राफ्ट को जमीन पे उसको हमने रेडी करके रखा है हर तरह से। तो ये दूसरा हो गया, और तीसरा एक अधिकारियों का क्षेत्र होता है जिसमें लॉजिस्टिक आती है। अच्छा। लॉजिस्टिक मतलब कि रसद सामग्री, सामान, हमारे कपड़े, जूते, यूनिफॉर्म लेकर के, उसमें हजार तरह की चीजें आती हैं। लॉजिस्टिक हो गया, दूसरा मेडिकल हो गया, जो जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं। हाँ। तो हमारे इतनी बड़ी ट्रूप से करीब 140,000 हमारा वायु सैनिकों का ग्रुप है इस एयरफोर्स में, फिर ऑफिसरों का भी ग्रुप है, इनका मेडिकल चेकअप, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई दुर्घटना होती है, तो उनके लिए हमें मेडिकल्स डॉक्टर्स की जरूरत होती है। तीसरा होता है मैम जैसे एजुकेशन फील्ड। अच्छा। हमारे एयरफोर्स में हमेशा ये रीति रही है कि जो लोग उसमें आते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड में आते हों, उनको जिस शिक्षा से वो आते हैं उनको हमेशा उन्नति के लिए उनको हमेशा अग्रसर आगे का मौका मिलता रहे, वो अपने आप को एडवांस कर सके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के क्षेत्र में, तो उनके लिए एक एजुकेशन ब्रांच के ब्रांच होता है जिसमें एजुकेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। जी, तो मैं देख रही हूँ जैसा कि आपने बड़े विस्तार से बताया पंकज जी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि या तो वायुसेना में जाना है तो बस जैसा आपने बताया कि बंदूक लेकर ही खड़े रहना है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसे आप चुन सकते हैं और वायुसेना में या किसी भी रक्षा सैनिकों के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये हमारे सभी दर्शकों के लिए और उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाली बातें हैं जो पंकज जी ने हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही साथ पंकज जी, एक जहन में हमारे सवाल आ रहा है मेरे कि अभी तक 1932 से लेकर अब तक किस तरह से इसका विकास हुआ, इसके बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन आगामी और कौन सी योजनाएं हैं वायुसेना की या सरकार की, या फिर कह सकते हैं कि विश्व पटल पर हम अपने भारतीय वायुसेना को कहाँ देखते हैं, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं, मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा मैं, क्योंकि भले मैं अभी रक्षा सेवा से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बट अगर चूँकि फिलहाल 4.5 साल से मैं उससे नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ न्यूज़पेपर के जरिए और अपने पढ़ाई लिखाई के रुझान के चलते, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हैं, बट मैं, मेरे लिए इस मंच पे उसके बारे में डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। पंकज जी, जो जवाब आपने दिया विभिन्न पदों के बारे में, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपसे मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगी। जी, आपने अपने जवाब में बताया था कि अब महिलाएं भी वायुसेना ज्वाइन कर सकती हैं, तो कौन से ऐसे पद हैं जिन पर महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं और ज्वाइन कर सकती हैं, उसके बारे में जानकारी जरूर दें। अधिकारी वर्ग में मैम पहले से महिलाएं, जैसा कि मैंने कहा था कि 1990 के दशक से जो तीसरा अंतराल जो मैंने बताया था, उसमें महिलाएं का इसमें इस भारतीय वायुसेना में पदार्पण हो चुका था, तो वो था मेडिकल के क्षेत्र में, मतलब डॉक्टर बन करके आती थी वो जो MBBS करती थी, फिर लॉजिस्टिक में लेडीज आ चुकी थी, अकाउंट्स का एक मैं वर्णन करना भूल गया था, अकाउंट्स जो हमारे जो पेमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं अकाउंट्स के लोग, तो ये तीन क्षेत्रों में तो महिलाओं का पदार्पण हो चुका था। लेकिन जो फाइटर पायलट जिसको बोलते हैं, फाइटर पायलट
वो प्योरली मेल बास्टियन कंसिडर किया जाता था, मतलब पुरुषों का प्रधान माना जाता था, उसमें महिलाएं अभी तक नहीं थीं। लेकिन अभी तीन भारतीय महिला, ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, एक अवानी चतुर्वेदी, भावना कंठ जो अभी जो राजपथ पे अभी जिनका वो आई भी थी, और एक और तीसरा मैं नाम अभी उनका मैं भूल रहा हूँ। इन दे वर द फर्स्ट थ्री लेडीज टू बी इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स एज फीमेल फाइटर पायलट्स। तो हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि महिलाएं भी अब फाइटर पायलट के रूप में आ रही हैं, और उनके लिए भी एक गर्व की बात है। तो अभी जो लड़कियां जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें जो सुन रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दे शुड गेट इंस्पायर्ड। अब ये नहीं सोचना है कि रक्षा सेवा में वो फाइटर पायलट बन करके नहीं जा सकती हैं। और अभी एक रिसेंट जो अभी घटना हुई है, जो अभी 10-15 दिन पहले ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जो एनडीए परीक्षा होती है, हालांकि मेरा बच्चा भी प्लस टू में है और अभी क्लास 12th में है, ही इज द अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर एनडीए, तो उसने अप्रैल में वो फॉर्म निकला था, ही हैज फिल्ड अप द फॉर्म। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई है कि इस एनडीए परीक्षा में अब लड़कियों को भी बैठने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए एक स्पेशल फोरम खोला गया अभी कुछ दिनों से, अभी शायद अभी खुला हुआ ही है, जहां वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं एंड दे कैन सिट इन दिस एग्जाम, एनडीए में अपना सपना को जाकर के पूरा कर सकती हैं। जी जी, और पंकज जी, आपके जवाब के साथ एक अपनी पंक्ति जोड़ना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देश की सेवा का जज्बा हम सभी के दिल में होता है, और अगर मौका मिला है तो महिलाएं अपना परचम जरूर ले सकती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल, सेना दिवस से जुड़ी कुछ बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन मैं प्रदीप जी से कहूंगी कि कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाए, बिल्कुल कुछ अपनी लिखी कुछ पंक्तियां सुनाए हमारे दर्शकों को। जैसे मेरी एक लेख निकली थी हिंदी अखबार में, उस भारत के रोमल पर हर भारतीयों को फक्र है। तो भारत के हिंदुस्तान के भी जनरल, एक जनरल जो है जनरल जे एन चौधरी, ऑफेंसिव डिफेंस अपनाया उन्होंने, और अब वो क्या किया, जब हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर, अमेरिकन आर्मर पत्रिका उस समय लिखा था, तो विश्व के 6 टैंक वारफेयर विशेषज्ञ एक वो भी था। अब आती है जब वायुसेना दिवस पर हम बोल रहे हैं, उसके हेडलाइन ही उन्होंने दो पंक्तियाँ जरूर जानना चाहेंगे, समय वक्त कम है हमारे पास। तो पहला है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन में आर्मी नेवी एयरफोर्स में होता है, नहीं होगा तो युद्ध आप नहीं जीत सकते। हैदराबाद ऑपरेशन में आपके एयर कमांडर उस समय जो थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे, एयर वाइस मार्शल सुब्रत मुखर्जी, एयर सपोर्ट की जरूरत। और मोहित्रा जी, मैं कहूंगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आपने कही कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना मिल करके हमारे देश की सुरक्षा करती है, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज कार्यक्रम में आप दोनों ने दी है हमें। प्रदीप कुमार मोहित्रा जी और पंकज जी, आपने भी इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप सभी दर्शकों को इस दिवस पर भारतीय वायुसेना के जितने वायु सैनिक हैं, कि आपने अपना समय दिया और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बिल्कुल, और पुनः एक बार आप दोनों को भारतीय वायुसेना के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। और दर्शकों, हमने आज बातचीत की भारतीय वायुसेना दिवस से जुड़ी हुई। हमारी थल सेना, जल सेना, हमारी वायु सेना लगातार खड़ी हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, पर जो हमारा ये कार्यक्रम है ना, उसके बहुत महत्वपूर्ण अंग आप हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। कैसे जानेंगे? आपको लिखना होगा ईमेल, आपको लिखना होगा खत। हमारा पता है, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@dd.patna@gmail.com।